हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं अपने इस टैंक में एक बहुत ही रेयर फिश, ये फिश बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है बंगाल में, तो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है ये फिश को, मैं बहुत ही मुश्किल से ये फिश मुझे मिला है और इस फिश को मैं अपने आज इस टैंक में डालने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली इस फिश के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, ये फिश मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मुझे दो हार्ट शेप पैरेट फिश मिल गया और बहुत ही जल्द मैं अपने उस दो हार्ट शेप पैरेट फिश को अपने इस टैंक में डालने वाला हूँ। ये जो फिश है ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फिश है। ये जो फिश है ये एक मैनमेड फिश है, इसका मतलब ये होता है ये फिश आपको कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा। और मैं जितना सुना हूँ, और ये जो भी फिश है इसको बहुत सारे फिशेस के कॉम्बिनेशन से बनाया गया, और ये इसलिए बनाया गया कि वैलेंटाइन डे के दिन वो लोग इस फिश को अपने पार्टनर्स को गिफ्ट कर सके, और इसलिए इस फिश का जो शेप है वो हार्ट शेप रखा गया है, ना अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, ये फिश बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। तो चलिए अब जल्दी से उस फिश को लेके आते हैं और अपने इस टैंक में डालते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मुझे ये हार्ट शेप पैरेट फिश मिल गया है। ये हार्ट शेप पैरेट फिश बहुत ही रेयर फिश है, ये फिश बहुत ही इजीली नहीं मिलता। ये फिश ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये फिश आता है लेकिन बहुत ही कम ही आता है। मैं इस फिश के लिए 5 to 6 months से वेट कर रहा था बट ये फिश मुझे नहीं मिल रहा था, और तभी एक दिन सडनली मैं इस फिश को ऑनलाइन सेल होते हुए देखा। हालांकि फिश मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ा बट एट द एंड मैं इस फिश को परचेज कर ही लिया, और ये सभी आप लोग के हेल्प एंड सपोर्ट से हुआ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ मी। इस फिश से रिलेटेड भी अभी काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब ये फिश जो है काफ़ी देर से इस पैकेट में है, इस फिश को जल्दी से एक्यूमुलेट करते हैं और उसके बाद जल्दी से उसको अपने टैंक में रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस को करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है जब भी हम लोग कोई बाहर से फिशेस बाय करके लाते हैं, उसको जब अपने टैंक में डालते हैं बहुत सारे रीज़न के वजह से, जैसे कि अगर उस पानी का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर वो जो फिश थी वो आपके टैंक में सही एडजस्ट नहीं कर पाए, तो ये सारे रीज़न के वजह से भी बहुत बार फिशेस क्या होता है, मर जाती हैं। इसलिए ये प्रोसेस को बहुत ही इत्मीनान से और अच्छे से करना जिससे कि इस फिश को न्यू एनवायरनमेंट में सेट होने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, अभी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और इतने टाइम पे वाटर सही से एक्यूमुलेट हो गया होगा, और अब मैं इस फिश के पानी में थोड़ा थोड़ा अपना एक्वेरियम का भी पानी डालूंगा जिससे कि ये जो हार्ट शेप पैरेट फिश है वो मेरे टैंक के पानी में एडजस्ट हो जाए। तो इसको भी करने में अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और इसको आप जितना ही स्लोली कीजिएगा वो उतना ही आपके फिश के लिए बेटर होगा। चलिए अब ये सारा पार्ट्स को स्किप करते हैं और चलते हैं फिश का रिलीजिंग टाइम की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब काफ़ी देर हो चुका है, ये जो फिश है मुझे लगता है कि इस पानी के लिए वो कम्प्लीटली एडजस्ट हो गई है। तो चलिए अब इसको इस पैकेट से बाहर निकालते हैं। पहले जो भी इस पैकेट का जो पानी है उसको ड्रेन आउट बाहर कहीं कर देते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत सारा बैक्टीरियाज वगैरह हो सकता है जो मेरी फिशेज के लिए बेनिफिशियल ना हो। इसलिए इसका जो भी पानी मैं पहले बाहर ड्रेन आउट कर देता हूँ जिससे कि मेरे फिशेज को कोई भी डिजीज़ ना हो। बेटर तो यही होता है कि जो भी आप फिश न्यू बाय कर रहे हैं उसको आप मिनिमम भी 1 week के लिए दूसरे टैंक में क्वारंटाइन कर लें, लेकिन मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा खाली टैंक नहीं है इसलिए मैं अभी इसको अपने टैंक में डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे कलेक्शन में 2 हार्ट शेप पैरेट फिशेस भी ऐड हो गया है। ये फिश काफ़ी देर से इस छोटे से पैकेट में थी, इसलिए भी ये फिश जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए आप जैसे देख सकते हैं वो साथ ही साथ पैकेट के बाहर आने के बाद वो छुप गई है, लेकिन ये कुछ देर में कंफर्टेबल हो जाएगी। मैं अभी कुछ देर बाद इस टैंक से थोड़ा सा पानी चेंज करूँगा और इसमें मैं स्ट्रेस हील को डालूँगा जिससे कि फिशेज का जो स्ट्रेस है वो जल्दी कम हो।
सो फ्रेंड्स होप करता हूँ ये वीडियो आप बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे। उसके साथ ही साथ अभी इस फिश से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।